अब उनके अंदर फर्नीचर आएगा, उनके अंदर मतलब सीवरेज की पाइपलाइन की सारी व्यवस्था होने के, बच्चों को लौटाओगे रोज के 400 रुपए लगते हैं सर। सर अच्छी कमरे उसकी बात सुन लीजिए, BH3 और BH1 में बने हुए कमरे बिल्कुल तैयार है, वही खाली पड़े, वही अलॉट नहीं कर रहे सर, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? खाली पड़े BH3 में 40 रूम तो 3 में खाली पड़े, इनटू 5 कर लो, हम हर चीज में एडजस्ट करने को तैयार है। हमने 5 आदमी रखने खातर भी हाथ भर ली, 5 बच्चों को भी रखने के लिए हाथ भर ली, कौन सा खाली आप नहीं है? पूछ लो सर, खाली क्यों नहीं है? खाली है, बच्चों को बता ही रहते हैं। लो इसने मिला भी दिया करो बता सर, एक मिनट अभी पूछ लो सर, एक मिनट बात सुनो सर, सारे खाली पड़े हैं, अभी पूछ लो सर, फिर वही बात देख के आए हैं, कंफर्म कर लो अभी, चलो सर खाली पड़े कमरे दिखा देंगे, अगर वहाँ कमरे खाली हैं तो वो कमरे सर बात करते एक महीना हो गया, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, एक साथ ना वन करके खाली खाली कमरों के लिए भी हम 20 बार चक्कर काट चुके हैं सर, दे देंगे दे देंगे दे देंगे, कम से कम भी 100 बच्चों को उसके बाद दिए सर। अरे सर जी दे दिया हम खुद, एक बात बताओ हम एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है तो बात समझ में आती है, हम 5 भी एडजस्ट करने के लिए दो महीने इसको दिला दो सर, दो पहले भी आया था 2 महीने से घूम रहा है सर, एक मिनट, अरे कल भी सर वर्मा जी को काली है, कितनी है? 19 सेकंड ईयर का बच्चा सर, हर क्राइटेरिया पूरा करता है, जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स है वो सारे फिलअप करते हैं बच्चे, अरे डिस्टेंस भी बहुत है, हरियाणा से बाहर का है, कोई बात नहीं मिल जाएगा, अभी तक नहीं मिला, रोज चक्कर काटता है सर, रोज चक्कर काटता है, दुखी हो गए यहाँ है, दिया ही नहीं और बच्चों को दे दिया, रात को बाहर निकाल देते हैं, कहाँ रात को 2 बजे आगे की बाहर निकलो सर, सवेरे माइनर है बालक का, रात ने 2 बजे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया, बोले चलो बोले नेट की टीम आ रही है इतने तक रह लो फिर बाहर काट देंगे, यो थोड़ी होया करे सर, सारे रूम आपको बैठे वहाँ पर कोई रूम खाली नहीं, बताओ अभी सर जी ये बस हम कह रहे हैं सारे खाली है सर, खाली है सर, खाली है, 80 पूरे के पूरे बंद पड़े हैं, 331 320 तो बालक की बता दिया रहने लग रहे, हमने चाहिए को नहीं 4 पाई और बताओ आप नोट करवाओ, खाली हम आके नू कम की भाई हाँ नया फैसिलिटी कौन मिली, हमने 1 महीना पहले 2 ही चीज मांगी थी, बिजली और पानी, लाइब्रेरी इसको नहीं मिला, एक के लिए सर सारे ही आएंगे, दिक्कत तो सबकी कॉमन है, यूनिवर्सिटी एक की नहीं है सर, यूनिवर्सिटी सभी बच्चों की है, सबकी यूनिवर्सिटी है, एक बच्चे की यूनिवर्सिटी नहीं है सर, ये तो ठीक हो लिए जो कौन सी कहा लिए सर, सर आप जाके देख आइयो सर, झूठ 2 AC ठीक कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं ठीक हो गया, झूठ सामने बोल दे, झूठ ठीक नहीं बोलते फिर झूठ कौन बोलते, तो चलते तो वो नहीं AC बंद हो चुके हैं, लेकिन बंद हो चुके हैं ये बता दिया ना सर, सर आप खुद कह रहे हैं ना सर ठीक हो गए बंद हो चुके हैं, अब फिर सुन लिया ना सर, समय रहते ठीक भी कौन करा, सुन लिया ना सर, इसका मतलब पेपर होगा कहा ठीक हो गए सर, अब तो लाइब्रेरी झूठ पड़े हमने इसका मतलब पड़ती को नहीं, ये जितनी भी सारी चीजें ना सबके ऊपर एक्शन चल रहा है, एक्शन नहीं सर, रिजल्ट चाहिए सर, एक्शन तो चलता ही रहता है, अगले 10 सालों तक एक्शन चलता रहेगा सर, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, 3 महीने तक एक्शन होया को नहीं, अरे 3 महीने तो ले एडमिशन तो पिछले महीने होने शुरू हुए हैं, जुलाई में ना सर अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो तू जुलाई में ले रहे हैं, यो तो सर न्यू कैंड लग रहे थे एक साथ ने जाके न्यू कहूं थे कि नहीं सर शुरू हो जाएगा, एक साथ थे हम तो 1-8 ने दूर बैठे थे, तो ये इनका फर्नीचर फिर 2 महीने हो गए, सर सारी यूनिवर्सिटी में सब कुछ आ गया, डिपार्टमेंटों में सब कुछ आ गया, क्यों को डिपार्टमेंटों में टाइल लागी ग्रिल लागी पेंट हो गया, लेकिन हॉस्टल के वे फर्नीचर नहीं आया, बस बताओ बाकी सारी यूनिवर्सिटी में जो जो जरूरतें थी सब कुछ बस, बालका का रिजल्ट नहीं आता, बालका की रिपेयर है वहाँ को नहीं होती, कोई भी बात हमें को नहीं होती, लेकिन कौन से आपके कमरे हैं उनमें AC भी बढ़िया चल रहा है, वाटर कूलर भी, अरे सर आप बात ही ना करो, आपके 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 डिपार्टमेंट की दिखाऊंगे, आपके डिपार्टमेंट में पानी दे डिपार्टमेंट में वाटर कूलर नहीं है, आपके लैब में कहा सर बंद कर दिया, बच्चे हैं सर यहाँ सर, जो पहले था ये रहा सर, आपके विभाग में आया था अभी 10 मिनट पहले, ये 11:55 की फोटो है, पानी के टैप बंद है, आज सब
पूरी ये सर आप ये आपका डिपार्टमेंट है सर, पानी देगी सुविधा कौन सर? यो यूके है सर, इसको छोड़ो, यो बंद हो गया, सारी समस्या है सर, आधी समस्या कैसे पानी की टूटी थी तो लगवाई कौन जान लग रही सर, बड़ी बड़ी बात करो आप, बारह रूम खाली बाकी बात है, अरे फिर पर्सनली ना ले सर, मेरा राम सही कौन लग रहा है, फिर आप कौन लग रहे हो? नरेंद्र भाषण ये गलत बात है, मेरी बात सुनो सर, जो बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं सड़कों पे उनको रूम नहीं दे रहे, कब दे दोगे? एक स्पष्ट बात मैंने ये कही थी, चीफ वार्डन भी थे सब थे ठीक है, कमेटी में एक बात फाइनल हुई थी, जो भी पिछले सेशन में जो भी बच्चा आज तक यूनिवर्सिटी का इतिहास में 1995 तक जब से बनी है, जब भी हॉस्टल पहली एक डिग्री में मिल गया उसको दिया जाता था ठीक है, हम वो कह रहे हैं कि भाई जो सेकंड ईयर में जो बच्चे अलॉट थे पहले उन सभी बच्चों को अलॉट किया जाए ठीक है, वो आज तक भी कोई नहीं हुई। दूसरी बात थी हमारी जो चार नंबर एडिशनल जो 80 कमरे, 80 कमरे का मतलब 400 बालक एडजस्टमेंट है सर, और आज तक नहीं खोला गया, खुल जाएगा, सारे काम करें सर, वही तो बात है, हवन खुल जाएगा, सारी चीज होगी, एक साथ ना हुई थी, आज 3 महीने की बात होगी, फिर भी कोई खुल जाएगा बच्चों के लिए, तो सर बैड तो ले आते हैं, कब आएंगे सर बैड डे? अरे सर हमने बैड भी कौन चाहिए थे, हमें बाइक एक मिनट लाइब्रेरी में बैठने की जगह नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, खाली नहीं मिलेगी सर, हमारा इकोनॉमिक डिपार्टमेंट अभी बहुत रोड़ा मत, एक साल हो गया चक्कर काटते हुए, पढ़ने की जगह नहीं, लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिले, एक ग्रेड कैसे मिलेगा सर, बस ऐसे एक दिन आया उनको चमकाने के लिए दिखा दी यूनिवर्सिटी, ऐसे एक ग्रेड मिलेगा? ग्रेड पे क्या कर रहे सर, हम चाहते हैं समस्या सर, एक ग्रेड के लायक यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए सर, सुविधा मिलनी चाहिए, हम चाहते हैं सुविधा मिलनी चाहिए A++ की, पिछले 15 सालों से आप सुविधा दो ना, जिससे ए ग्रेड आए, A++ आए, A++ आए, जब हम बच्चा न करते ऑनलाइन परीक्षा दो, और हम करते भी ऑनलाइन ठीक नहीं ऑफलाइन कर लो, अब वो बेचारे धक्के खाने अंडे हैं, उनने धक्के दिया, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वालों के भी ये दे रखे है सर, ऑफलाइन वालों के दे रखे है, जिसने अपनी सीट दे रखी है उसके खुद पर्सनली बच्चे भी एमकॉम डिपार्टमेंट के बालक रूरल लग रहे हैं जिनके ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑफलाइन सर बच्चे हैं सर, सर आपने फिर प्रूफ दे दूंगा, प्रूफ दे भाई सर, प्रूफ दे रहे हैं का नाम बता, 6 बार तो मैंने खुद भेज जाके करवा के सर, एमकॉम के सारे ऑनलाइन वाला की दिक्कत है, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन की भी दिक्कत है सर, जो चक्कर काट रहे हैं बता रहा हूँ, यो कंट्रोलर का है, ये बालक थे जितने भी फोर्थ सेकंड के और के जिसने ऑफलाइन पेपर दिए थे, देखो मैंने इतने एमकॉम के ही है, 20 से एमकॉम के भी है और बाकी कोर्सेज के भी है, कौन नहीं होगा, कमाल की बात है, मेरे नोटिस में क्यों नहीं, मैंने सबके रिजल्ट बढ़वा दिए, और बहुत भी डिपार्टमेंट है, एक आधे वाली बच्चों की कर में आपने भी पर्सनली दे आऊंगा सर, पर्सनली और भला करवाना हमने, कोई दिक्कत नहीं, हमने मैं बता रहा हूं आपको, बात छोड़ो, ऐसी नहीं चीजों को प्रेजेंट करो, ये बच्चे वही आ रहे हैं, इसकी भी दिक्कत है, डिग्री कौन मिलने लग रही, हां सर डिग्री में बहुत लेट हो गए, चक्कर काट रहे हो, बहुत ज्यादा लेट है सर, डिग्री दिया हमने कि 7 बच्चे अंदर इशू करनी पड़ेगी, अरे सर जी 15 रोल लागू कब होगा सर, रोल तो बने होता, दो रोल बने हुए हैं, दो अधिकारी पे इंस्पेक्शन हुआ है, कहीं 50% से कम एडमिशन नहीं हो रहा, ये दे दिया सर, रूल फॉलो तो नहीं होते, क्या कब चेक होगा ये, तलवार क्लास लगते को नहीं आई, 1 महीना क्लास लगते होगी सर, क्लास लगाते है रोज, अपने पता नहीं ये किसका जानकार है, चेयरपर्सन का जानकार है, वीसी का, किसी का 10-10 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी में कैमरे लग रहे हैं, 360 के कैमरे लग रहे हैं, आज तक फुटेज तक नहीं नाम हो सर, लेकिन इंक्वायरी कही जा रही है, चलो इसके ऊपर कार्रवाई, यूनिवर्सिटी के ऊपर क्यों होगी, जिसने एडमिशन दिया उसके ऊपर होनी चाहिए, उस पे कौन करेगा, बच्चों के अधिकारी के ऊपर एक्शन, बच्चा भी एक्शन होगा, जिसने एडमिशन दिया उसके ऊपर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के अधिकारी पे एक्शन का है, मैडम है शबनम जोशी फिजियोथेरेपी की चेयरपर्सन है, और जो एडमिशन कमेटी है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए, करो एक्शन,
कब करेंगे? एक महीना क्लास लगते हो, दो महीने हो गए क्लास लगाने, जो बच्चे एलिजिबिलिटी उनको एडमिशन नहीं दे रहे, बिना एलिजिबिलिटी के अपने जानकारों को रिश्तेदारों को एडमिशन दे दिया। ये ऑफिशियल होगा सारे, वो अनपढ़ होने सारे, अपने फोन में डाउनलोड कर लो सर, आपकी साइट पे है। चलो ठीक है, चेक कर लो अभी। आज समाधान नहीं होया तो 10 तारीख के बाद में अनिश्चितकालीन धरना देंगे और यूनिवर्सिटी के मेन गेट पे बंद किया जाएगा, चाहे कोई भी टीम आगे जीतने ही है। ये कोई बात को नहीं सर, इनका सॉल्यूशन करवा दो सर, ठीक है। लाइब्रेरी सर, यो देखो लोग इतने छापन लग रहे हैं, नियमों का दरकिनार, नंबर वालों को नहीं दिया जा रहा दाखिला, फर्जीवाड़ा, सारी धांधली, हर प्रकार से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। लाइब्रेरी है, जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा यही है, ठीक है। नहीं लाइब्रेरी में जगह है, एक साल हो गया, ठीक है ठीक है। सुनते हुए हम ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी की इमेज खराब हो। लाइब्रेरी का बता दो, हर बार आगे ठीक है सर, ठीक है, सॉल्यूशन तो नहीं होता, ठीक है। 10 तारीख को आएगी, एक महीना में कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई कहाँ चलती है, हो ही जावे। एक दिन की बात ही नहीं कर रहे सर, 6 महीने हो गए, हर बार एक दिन में नहीं होता, एक महीने बाद आ जो फिर एक दिन में नहीं होता। सर बात सुनो सर, लाइब्रेरी बताना सर कब तक होगा, लाइब्रेरी सर बैठने की जगह नहीं, अभी चलो सर, अभी कुर्सियां टूटी पड़ी है सर, जो हॉल में है हमारी रोज लड़ाई हो सर, और आउटसाइडर सर, लाइब्रेरी में आउटसाइडर बैठे रहते हैं, सिक्योरिटी क्या करती है, होता बुक करना तो हमने पढ़ा सर, बच्चों को सीटिंग इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वहां का चेयरमैन कहता है एक दिन से कर लो, तो हमारी चेयर में पड़ा ऐसे कोई औकात नहीं है भाई, चांसलर की जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन है उनको जगह नहीं मिलती, ऐसे अधिकारी हो रखे हैं जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के चेयरमैन है वो ऐसे ही बोलता है, मेरे वाइस चांसलर ऐसे मेरे जेब में पड़े, मैं ऐसे गिरा दूंगा जब चाहेगी, क्या औकात है वाइस चांसलर की, बताओ क्या कहेंगे इस बात पे, क्या जवाब है सर आपका भी बता दो। ऐसी वही झगड़ा हुआ था और मौके पे लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी टीचिंग ब्लॉक 7 में प्लेसमेंट सेल की बिल्डिंग बनी हुई है, आप वहाँ क्यों नहीं, नया प्लेसमेंट सेल बना दिया सर, नया उसको शिफ्ट करा के कराओ। सुनो बात सुनो, इस लाइब्रेरी के अंदर 10 साल तक एक डिपार्टमेंट रहा और इतना बड़ा डिपार्टमेंट रहा, तब यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ कम थी, बच्चों की भी कम थी, ऐसे तो सर तब यूनिवर्सिटी बनी थी डिपार्टमेंट ही 3 डिपार्टमेंट तो खोल दिया अपने, बालकों का एडमिशन इतना का हो रहा है। हाँ जी, उसके बाद कैपेसिटी बढ़ी है, कंप्यूटर सेंटर से गया है वहाँ बैठने की कैपेसिटी बढ़ी, वो वापस कम हो गया सर, जरूर सुनना बच्चे भी तो पढ़ने लग गया। अरे फिर बेटा इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी शिफ्ट होगा, कैसे जगह पड़ेगा सर, पिछले साल से ये सुनते आ रहे होएगा, होएगा ये तो कब होगा सर, नहीं कोई यार कोई अथेली भी सर हमारे उत्तर से देखेंगे, अथेली पर थोड़ी 3 महीने तक ये बात कहने लग रहे हैं, एक दिन के आज थोड़ी का इकोनॉमिक साला तो 2 साल से कहने लग रहे हैं, जब खुद आप खुद बोलना था कि सर पहले से लॉकडाउन में कब्जा कर रहा था सर, या तो मैं बता दो स्टूडेंट लेवा भी कब्जा लेना है तो पिछले समय हमारा कब्जा है, अगला चेयरमैन का कब्जा है तो हम भी कब्जा ले लें, फिर 2 साल पहले सर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के 2 रूम थे, अब पूरा फ्लोर ले लिया सर, पूरा फ्लोर ले लिया, जगह कम हुई है लाइब्रेरी में, ज्यादा हुई है और नीड के साथ चला जाता है, 15 डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नए खोल दिए गए, कॉलेजेस एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनपे सारी इंक्वायरी होती है, आपका रूम है, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास स्टाफ है, कभी भी इस यूनिवर्सिटी में कभी पूछा गया, कभी भी कोई अधिकारी से टीम लगी मर्जी आई खोल दिया, हाँ एक भर्ती करनी है वाइस चांसलर ने, अच्छा 2 और आदमी लगाने हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट खोल दो, पैकेजिंग खोल दो, प्रिंटिंग खोल दो, हिंदी खोल दो, इकोनॉमिक्स का नीचे वाली खोल दो, मास कम्युनिकेशन BMC खोल दो, अरे कदे माड़ी बात है क्या सर, सुविधा तो नहीं है ऐसे खोल, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बना हुआ है, योगा का बालक है, पूछियो बैठने जगह है के सारी बात जेन्युइन है, सारी चीजें सारी रिपेयर आवे कोई गया तो यूनिवर्सिटी माफ कर दो, मेरी बात यूनिवर्सिटी भी माफ कर दो, जोर हो रही है सर, तू रुकेगा नहीं रुक रहे इतने
फोटो खींच ले तो रुक जा सर, सॉल्यूशन करवा देंगे हम तो चले ही जावांगे, सॉल्यूशन करवाएंगे, सॉल्यूशन करवा दे, नहीं हो रहा सर सॉल्यूशन ऐसा, अभी सुबह इनसे सारी बात हो गई थी अंदर से, सारी चीजों के ऊपर सकारात्मक रूप रहेगा सर। ये बात तो पिछले एक साल से वो बात ही चल रही है, एक साल से सकारात्मक पे तो चल रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, एक साल से हम इंग्लिश की फर्स्ट ईयर के 11 बजे क्लास लगा हुए हैं, आज अपनी है 7 तारीख और अब पूरी यूनिवर्सिटी का फोकस है नेक की टीम पे सर। हमारा भी हमें भी पता है सर, तुम सुनते तो हो ही, हमें पता है सर, तुम सुनते तो हो नहीं, हम देख रहे हैं सर, आपकी बारी आज आ जाइए, हमारी बारी रोज की है सुनने की, चक्कर काटना आज आप आगे सर, कल ये आगे पांच जने और आ जाए, बदल बदल के आ जाए, हमारा इतना टाइम नहीं, मेरी बात सुनो, मैं आप बता रहा हूं सर, हमारा कोई बात खराब है सर, हमारा टाइम की कोई वैल्यू नहीं है सर, हमारे लिए तो सर आप हमारे लिए खाली बैठे खराब है, मैं किसके आपके लिए आ रही है, स्टूडेंटों के लिए आ रही है सर, दोनों इंडिपेंडेंट है सर, दोनों की है, टाइम सबको निकालना पड़ता है सर। सुनो बात, डिमांड यह है कि कब होगा, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, डेडलाइन दे दो सर, हां सर डेडलाइन है, डेडलाइन तो दे रखी थी भाई, ऐसा बात सुनो, ऐसा बात सुनो, सर लाइब्रेरी में आउटसाइड डेडलाइन, आउटसाइड का भी 2 बजे कर देंगे, अरे सर जी कुछ कोने होता है, बोल दिया मैंने, कुछ भी कोने होता है, तो मेरे पास सुनो, बोल दिया सर, मैं आपने फिर दिखा दूंगा, ये तो बता दे हमने कितने 2 बजे सर, यहाँ पर हमने नहीं सर, हमको सॉल्यूशन करवा दो, सॉल्यूशन बता दो आप, चाहे एक सेकंड में सॉल्यूशन करवा दो, ऐसा है बात सुनो, मारा 4 नंबर हॉस्टल खुलवा दो आज से, हमने हम अपने बिक जाओ, और जो 3 में एक कमरे खाली पड़े हैं वो दो दिन का अधिकारियों पे टाइम है, 10 तारीख ने हमारा निश्चितकालीन धरना देंगे, जब तक हमारी ये समस्या है इनका समाधान करवा दे, और जो धांधली चल रही है उनका इलाज करवा दे, ये जितने भी धांधली है ना ऑन प्रूफ साइट पे है, ये देखो कितना नहीं, फिर ये दिखाने हम हमने भाई कितनी धांधली चल रही है यूनिवर्सिटी में, ऐसा करना बात सुनो, बड़े खुशी से दिखाना, ये बता देता हूँ, इससे इनसे की अच्छी रेपुटेशन सर, जो बच्चे दुखी हो रहे हैं उसे तो मतलब यूनिवर्सिटी का कि ये दिखा के क्या यूनिवर्सिटी की इज्जत बढ़ाओगे क्या, नहीं सर मान लिया किसी का दुकान लगल तो उसकी जांच करवाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है, करवा तो क्यों नहीं, 1 महीना हो गया सर, कोई तो कह रहा है ये गलत बात, हां सर सुन लो, चलो कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो, आपको एक चीज बता दूं, एक सुन लो बात सुन लो, आपको एक चीज बता दूं, हर एक संगठन जो भी छात्र संगठन है सबका मान सम्मान है, परंतु आप एक जिम्मेवार छात्र संगठन होने के नाते विश्वविद्यालय को इस समय आपके सख्त कोऑपरेशन की जरूरत है, पॉइंट सर मेरा सुन लो सर, बात सुन लो मेरा, पिछले 15 साल से 50 डिग्री पे हेल्प डेस्क लगाया जाता है, हर टाइम इनसो संगठन के द्वारा रेपुटेशन को प्रिपरेशन किया जाता है, हर समय रोड पे लगाते रहो, हॉस्टल में कमरे मिल देने, ठीक है, एडमिशन ऑन देने, लाइब्रेरी में की मांग आती है, तो नेक टीम आ गई, हम तो ये पिछले 2 साल से डिमांड है हमारी, लाइब्रेरी का जो सर टॉप फ्लोर है ना उसमें एक हॉल भी है और कमरे भी हैं, तो आप कमरे इकोनॉमिक्स को छोड़ दो ना, वो अगर इस टाइम पे आप एक बार चाहो ना कि नेक्स्ट, अरे चाह क्यों नहीं रहे, 2 साल से आज तक भी क्यों नहीं हुआ, खाली करा दो तो डबल सीटिंग हो जाएगी, जो बोल रहे आप बोल रहे भाषा में फर्क है, भाषा में फर्क तो नहीं कर रहे भाई, एक ही बात कह रहे हैं, अलग पॉइंट है सर, एक के बाद है मेरी बात सर, से तो पूछो आप, लाइब्रेरी से डिपार्टमेंट शिफ्ट करना यही मेन, हाँ यही है सर, ऐसा मैं आपको, वो 7 खाली पड़ा है सर, ट्रेनिंग प्लेसमेंट इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसके सुनो सर चले जाते हैं, तू तो ऐसा काम कर रहा है जैसे तुम सुन के, ठीक है मैं सर परेशान हो रहे हैं, जब यार दिक्कत आ रही है, मैं तो इतना बता रहा हूँ बहुत जिम्मेवारी के साथ कि भाई आप एक जिम्मेवार छात्र संगठन है, आपको इस समय आज सारे के सारे आदमी नेक की तैयारी में लगे हुए हैं, अगर आप इसके ऊपर दोबारा से सोच के देखो कि हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, हमारी प्राथमिकता जब किसी का जैसे कोई ब्याह शादी टाइप होते हैं, जब सब लोग मिलकर ब्याह शादी का काम निपटाते हैं, ये बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, बाहर से लोग आ रहे हैं, हमें 3-4 दिन तक सब लोगों ने, मैं इनसो के संगठन से भी अपील करूंगा, सब लोगों ने मिलकर हमारी इस चीज़ को सफल करना चाहिए, आपकी सारी समस्याएं जायज़ हैं, जांच की जरूरत जांच भी होगी, कोई किसी का भेदभाव नहीं होगा, कोई न्याय नहीं होगा, परंतु वक्त चाहिए, ये ऐसे करके आप कल तक करोगे तो परसों ऐसे करोगे, मैं इसको ये समझता हूँ कि इस मौके पर कहने की बातें हैं नहीं, बाकी आपकी मर्जी,
ये संगठन ने आज ये नया मुद्दा नहीं है, नया की टीम 5 साल में आ रही है। तो आज सच पूछो, हम आज इन चीजों को सुनने का भी वक्त नहीं, सुनने का वक्त जब था सुनेंगे तो तैयारी भी नहीं, जब था उस टाइम भी नहीं सुनी गई। और हम ये चाह रहे हैं, ये आज कोई मामला नया नहीं है, मैं आपके संज्ञान में डाल दूं सर। आज आप इस मुद्दे को लेकर आप आज नेक पे आपकी ड्यूटी आ गई तब आप यहाँ आए हैं। अदरवाइज दो अधिकारी हमारे पास आ रहे थे, हम पिछले 2 साल से इस मुद्दे को कंटिन्यू हम कह रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरी का समाधान किया जाए, नहीं किया जा रहा। आज आप ये हमारे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी लगा लो या संगठन पे डाल रहे हैं कि आप संगठन की वजह से नेक की टीम पे प्रभाव पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या वाइस चांसलर पे ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो टाइम रहते समाधान किया जाए? नहीं नहीं, हम संगठन से ये कह रहे हैं, नहीं अब संगठन को इस समय पे विश्वविद्यालय के साथ खड़ा होके अपना नेक की टीम को सक्सेसफुल, तो कब 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 छात्रों के साथ जी जो प्रशासन खड़ा होगा कब? 2 साल से हम वेट कर रहे हैं, 1 साल से वेट कर रहे हैं। प्रशासन ही साथ होता तो ये छात्र यहाँ नहीं आते, ना संगठन को यहाँ आने की जरूरत पड़ती। 3 दिन लगातार यहीं पे धरने पे बैठे थे, फिर भी सोल्यूशन नहीं हुआ, समाधान भी होंगे? समाधान नहीं हो रहा तभी आ रहे हैं। अगर 3 दिन यहाँ पे स्ट्राइक बैठे थे भूखे सुबह से लेके शाम तक, 3 दिन समाधान फिर भी रात को भी सर हम यहीं सोए हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी चीज के ऊपर सुनवाई करिए। कम से कम रिकॉर्ड बता दूं आपको, कम से कम सैकड़ों बच्चों के दाखिले। माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, आपसे माफी चाहूंगा, बट 1 साल हो गया हम इस चीज के लिए लड़ते हुए, 1 साल लाइब्रेरी के लिए। सर लाइब्रेरी के लिए ऊपर सीटिंग नहीं है, ऊपर जो पहले सीटिंग थी, ऊपर जो चेयर थी बेंचेस थे वो उठा लिए, वो क्यों उठा लिए सर आप ये बताओ, क्यों उठा लिए? वहाँ पे जब बच्चे बैठते थे वहाँ पे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बना दिया सर। ऐसा है, आप लोग पढ़ने वाले बनो जी सर। नहीं सुनो, बात सुनो, गरीबी पढ़ ले, आप गरीब पढ़ ले सर, पढ़ने वाले बनो या एडमिशन किस लिए? सुन यार मेरी बात सुन, ऐसा है, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने जी एक जगह है, वहाँ 200 से 250 सर नहीं सर, सर ये ऑडिटोरियम नहीं, अरे ये इसमें ऑडिटोरियम में बोल रहे हैं, ऑडिटोरियम में हमारा ये चाहते हैं, जो क्रश हॉल में आप, जो आप क्रश हॉल में नहीं, क्रश हॉल में नहीं, जो क्रश हॉल के ऊपर है सर, जो ऊपर की बिल्डिंग है जिसमें वो कैफेटेरिया की जो जगह है, कैफेटेरिया वहाँ पर एक टेम्परेरी रीडिंग हॉल बना जा सकता है। एक मिनट सुन, मैं जवाब देता हूँ, एक मिनट रुको दो, अगर बच्चे वहाँ पढ़ेंगे करा जा सकता है, अब अदरवाइज चल आपकी बढ़िया बात है सर, जिन 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 डिपार्टमेंट स्वागत है, सुन तो ले, स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं सर, ऐसा है, स्वागत करते हैं सर। फिजिक्स ब्लॉक के अंदर 100 के पीछे सेमिनार हॉल है, उसको टेम्परेरी तौर पर बच्चे पढ़ना चाहिए, क्यों टेम्परेरी सर? टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए नहीं सर, हमें पिछले 1 साल से टेम्परेरी हो रहा है, हरी बात आ जाए तब टेम्परेरी, यूनिवर्सल प्रोफेसर की बात आ जाए पक्का, कंप्यूटर लाके रख दिए, एसी लगा दी, कोई बात नहीं, हम जाएं यूसीएसएसएल, ये रसोल जो कैफेटेरिया बराबर में है, एक मिनट और सुन लो सर, जब कैफेटेरिया कम से कम 500-600 बच्चे बैठ सकते हैं, खाली रहती है, जो पहले वाला कैफेटेरिया था, एक मिनट एक आपकी और बात का जवाब दे दूं सर, आप एक चीज आपने मिसगाइड हो गए, वो जगह है, हमने डिमांड रखी थी उसकी, हमारा एरिया था बच्चों के बैठने के लिए और के लिए, कैफेटेरिया जो पुराना है उसके ऊपर, वहाँ क्या डाल दिया, सारे ये डाल दिया एनएसएससी एनसीसी वालों के, ठीक है, हमारे कोई बैठने की क्या, कोई भाईचारा की क्या, बतलान की क्या, कोई और जगह है, आपको सब चीज दे रखी है, हमारी कोई जगह नहीं, वो हमने डिमांड रखी भाई वो बंद कर दिया तो स्टूडेंट के लिए खोला जाए, आज आप उसमें रीडिंग हॉल डाल, अरे स्टूडेंट की मेजोरिटी है जो 6,000-7,000 बालक है, उनकी तो कोई वैल्यू को नहीं, प्रोफेसर है 300-400 उनके लिए सारा कुछ आपने नहीं बेरा हो तो मैं सबने दिखा भी दूँ, ऐसे भी सी रूम में टाइल लग गई होंगी, 5 दिन रात में भी काम, तो दिक्कत फर्नीचर हॉस्टल में लगवा दो सर, हॉस्टल सारे टूटे फूटे पड़े, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ सारी दिक्कत है, हमारे टाइम में सर फोटो दिक्कत तो दिक्कत आपको नहीं, दिक्कत बच्चों को हो रही है, फोटो जीवी नहीं है सर, फोटो जीवी नहीं है साहब, आपको पढ़ने वाले अधिकारी है और ये भाड़े के टट्टू भी करने लिया सर, इसका सोल्यूशन चाहिए, भागने दो, हम यही बैठे रहेंगे और भी आ जाएंगे सर, आप जाओगे और आ जाएंगे, ऐसा है आपकी सारी